Assalamu alaikum, my name is Mohammad Ali Raza and welcome to my YouTube channel Concept of Chemistry. Today I'm going to discuss with you E1 elimination reaction, unimolecular elimination reaction, 10th chapter secondary chemistry. But before starting the lecture, if you don't have subscribed my channel, so kindly do subscribe and like my page. And I'm also running the page with the same name on Facebook and Instagram, where you could be able to get the reach of complete lectures of FS chemistry soon, inshallah. And I will also give you the links in the description from where you could be able to join these pages with just a one click. Or you can join these pages by searching out concept of chemistry. Okay, so move to the lecture. ये मैंने कार्बन की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखी है जो कि समझाने में मुझे क्या हेल्प आउट करेगी और आपको समझने में हेल्प आउट करेगी. तो आज हमने डिस्कस क्या करना जी, E1 एलिमिनेशन रिएक्शन. अच्छा, आपको भी पता है कार्बन की जो इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन है ना एक्साइटेड स्टेट में, उससे हमें पता चलता है कि इसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जिससे क्या है 4 बॉन्ड्स बनाता है. ये पॉइंट जेन में रखना है आपने. नेक्स्ट चलते हैं. लाइक SN1 इट्स फर्स्ट स्टेप, लाइक SN1 इन E1, SN1 की तरह E1 में भी फर्स्ट स्टेप जो है स्लो रिएक्शन है. स्लो रिएक्शन क्या है? वो है स्लो आयनाइजेशन ऑफ सबस्ट्रेट टू गिव अ कार्बोकेटाइन. वो है अल्काइल हैलाइड की क्या है आयनाइजेशन. और आयनाइजेशन में क्या होता है, ब्रेक करना होता है किसी कंपाउंड को पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में. उसके लिए एनर्जी रिक्वायर होती है और एनर्जी जिस प्रोसेस में रिक्वायर होती है वो स्लो प्रोसेस होता है. तो इसलिए आयनाइजेशन का प्रोसेस या आयनाइजेशन का जो स्टेप है वो स्लो होगा. क्लियर? इधर सबस्ट्रेट का वर्ड यूज हुआ है. सबस्ट्रेट क्या होता है? जिस कंपाउंड पर, जिस एलिमेंट पर न्यूक्लियोफिल या इलेक्ट्रोफिल आकर अटैक करता है उस कंपाउंड को कहते हैं सबस्ट्रेट. इन सेकंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप हो गया आयनाइजेशन, सेकंड स्टेप में क्या होगा? द न्यूक्लियोफिल अटैक्स ऑन हाइड्रोजन टू गिव एन एल्कीन एज ए प्रोडक्ट. सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफिल अटैक करेगा बीटा हाइड्रोजन पर और फिर हमें प्रोडक्ट मिलेगा एल्कीन, या अनसब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट होगा जिसमें डबल बॉन्ड होगा. अब अल्फा हाइड्रोजन, बीटा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन, ये क्या चीज़ें हैं? फंक्शनल ग्रुप के साथ जो डायरेक्टली अटैच कार्बन हो उसे हम कहते हैं अल्फा कार्बन, और उसके साथ जो डायरेक्टली अटैच हाइड्रोजन हो उसे हम कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन. उसके बाद जिस कार्बन की बारी आती है उसे हम कहते हैं बीटा कार्बन, और उसके साथ जो अटैच हाइड्रोजन उन्हें हम कहते हैं बीटा हाइड्रोजन. क्लियर है? सो नेक्स्ट चलते हैं रिएक्शन, जिससे आपको मैकेनिज्म भी समझने में मतलब हेल्प आउट करूंगा और आपको समझने में इंशाल्लाह मजा आएगा और आपको समझ आएगा इंशाल्लाह. सो फर्स्ट स्टेप क्या है? आयनाइजेशन, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में चेंज करना है. अभी अल्काइल हैलाइड है जो कि टर्शरी है. अब इसमें ब्रोमीन जो है वो नेगेटिव है और बाकी ये जो है ये पॉजिटिव की फॉर्म होता है कार्बोकेटाइन. ठीक है, तो मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव की फॉर्म में इसको क्या है अलहदा कर दिया, एनर्जी प्रोवाइड की, तो वो क्या है ब्रेक हो गया. ब्रोमाइड आयन की फॉर्म है और ये कार्बोकेट आयन की फॉर्म है. ठीक है, नेक्स्ट क्या पॉइंट, अब आना है न्यूक्लियोफिल का अटैक. कार्बोकेट आयन पर अटैक करेगा न्यूक्लियोफिल, और न्यूक्लियोफिल किस पर अटैक करेगा? बीटा कार्बन के बीटा हाइड्रोजन पर. अब ये था ब्रोमाइड, ब्रोमीन, इसके साथ था कार्बन, ये अल्फा कार्बन है, इसके साथ जो अटैच कार्बन है वो बीटा कार्बन, और उसके साथ जो हाइड्रोजन वो बीटा हाइड्रोजन. ये भी बीटा कार्बन हाइड्रोजन है, ये भी बीटा कार्बन और बीटा हाइड्रोजन है, और ये भी बीटा कार्बन और बीटा हाइड्रोजन है. तो आप इनमें से किसी पर भी क्या न्यूक्लियोफिल का अटैक करवा सकते हैं. ठीक है, अभी तो देखें एक CH3 को ओपन करके लिख लिया ताकि हाइड्रोजन को क्या नजर आ सके जिस पर अटैक करवाना है, और बाकी दो CH3 थे, एक CH3 ये आकर एक CH3 ये आ गया. क्लियर है इधर तक? सो अब क्या होगा, कैसे डबल बॉन्ड बनेगा? मैंने पहले भी डिस्कस किया है और अब दोबारा मैं आपको क्या एलैबोरेट करता हूँ. अब क्या होगा, इस कार्बन के पास ना, पहले फर्स्ट स्टेप पे चलते हैं, इस कार्बन से जब गया ना ये ब्रोमीन, इसकी है इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा कार्बन से. मैं इस तरह समझता हूँ इसको कि जिसकी पावर ज़्यादा होती है ना वो दूसरों के हकूक ले लेता है. अभी इधर ब्रोमीन की पावर है ज़्यादा कार्बन से, ये जाते जाते एक इधर इलेक्ट्रॉन है ब्रोमीन का और दूसरा कार्बन का, ये ब्रोमीन जाते जाते अपना इलेक्ट्रॉन तो लेके जाता ही है, साथ कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन ले जाता है.
तो इस तरह ये बॉन्डिंग पेयर जो है ना ये ले जाता है ब्रोमीन, तो इसलिए इस पर क्या है नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब कार्बन क्या है, उसका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, उसका एक इलेक्ट्रॉन चला गया। कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे, 4, एक चला गया तो कितने रह गए, 3, मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफिल हो गया, तो इस पर क्या है आपके पास पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये बात आपने ध्यान में रखनी है, इस कार्बन के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है 4 करने के लिए, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया ना, पहले इसके पास 4 थे अब 3 है इसके पास, क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं, अब इस कार्बन पर आप स्टेप चेक करते हैं वो क्या हुआ है। अब जब न्यूक्लियोफिल ने अटैक किया ना इस हाइड्रोजन पर, इस कार्बन ने क्या किया, इसने हाइड्रोजन को भगाया भी और इसने हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन भी ले लिया। ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का था और ये इलेक्ट्रॉन कार्बन का था। अब जिस तरह ब्रोमीन ले गया कार्बन से, कार्बन लेगा हाइड्रोजन से, क्यों, क्योंकि ब्रोमीन की पावर है ज़्यादा कार्बन से ज़्यादा, कार्बन की पावर ज़्यादा है हाइड्रोजन से ज़्यादा, ठीक है। तो इस तरह एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन खींच लेते हैं। अब कार्बन ये वाला ना हाइड्रोजन के निकालेगा और उसका इलेक्ट्रॉन भी ले लेगा और अपना इलेक्ट्रॉन भी ले आएगा अपने पास, बॉन्डिंग पेयर ले आएगा अपने पास, क्लियर है। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है वैलेंस, 4, एक उसने ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का लिया, कितने हो गए, 5, मतलब इस कार्बन के पास 5 इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन के पास 3 इलेक्ट्रॉन, क्लियर है। अब क्या होगा, अब ये कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 5 हो गए, तो ये क्या करेगा, इस बॉन्डिंग पेयर को ना इधर शिफ्ट करवा देगा ताकि इसके भी 4 पूरे रहे और जो दूसरी कार्बन के 3 हैं वो भी क्या है 4 पूरे हो जाए। कैसे, 5 और ये 3, 5 प्लस 3 कितने, 8। तो इस तरह म्यूचुअल शेयरिंग से ना इस कार्बन के पास भी 4 रह जाएंगे और इस कार्बन के पास भी 4 रह जाएंगे, तो इस तरह डबल बॉन्ड बन जाएगा। ये जब बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा ना बॉन्ड पेयर, तो इधर आपके पास क्या है डबल बॉन्ड आ जाएगा, क्लियर है ये पॉइंट कि कैसे डबल बॉन्ड आया। और ये OH नेगेटिव बेस या न्यूक्लियोफिल ये इस हाइड्रोजन के साथ अटैक करेगा, रिएक्ट करेगा, तो ये आपके पास आ जाएगा H2O। अब H2O के बनने में के पीछे भी कंसेप्ट है, उसके पीछे क्या कंसेप्ट है, उसके कंसेप्ट ये है जब ये कार्बन इस हाइड्रोजन को निकालेगा, उसका इलेक्ट्रॉन ले लेगा और उसके पास था ही एक इलेक्ट्रॉन, तो अब क्या है हाइड्रोजन एज ए प्रोटॉन रिलीज हुआ है H पॉजिटिव आयन की फॉर्म में, ठीक है। इधर ये जो न्यूक्लियोफिल है OH नेगेटिव, इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, इधर हाइड्रोजन के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब अगर ये कहे कि मैं 2 इलेक्ट्रॉन इस तरह रखता हूँ कि मैं तुम्हारी तरफ से भी इलेक्ट्रॉन ऐड करवा दूंगा और अपनी तरफ से भी, और इस तरह ये क्या है आपस में बॉन्ड बना लेते हैं और आपके पास आ जाता है वाटर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अब रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ E1 डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, मैंने E2 में भी डिस्कस किया था, इधर भी बताता हूँ। पहले आपको पता होना चाहिए रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या है, उसके बाद रेट ऑफ रिएक्शन, उसके बाद ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, उसके बाद मोलेक्युलरिटी, ठीक है। अब रेट ऑफ रिएक्शन क्या है पहले तो वो पता होना चाहिए। रेट ऑफ रिएक्शन ना अगर तो एक स्टेप है ना रिएक्शन का, वो आपका वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। अगर एक से ज्यादा है फिर जो स्लोएस्ट स्टेप होगा ना उसे हम कहेंगे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब इधर चूंकि हमारे पास 2 स्टेप है, एक ये और एक ये, इसमें स्लोएस्ट स्टेप कौन सा है आप बताएं, कमेंट कर दें, ठीक है। तो कौन सा स्टेप है, फर्स्ट जो रिएक्शन है वो स्लोएस्ट है, क्यों, इसमें एनर्जी रिक्वायर थी, बॉन्ड को ब्रेक करना था, तो ये है स्लोएस्ट स्टेप और ये आपके पास रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। इसी का हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप का ही रेट ऑफ रिएक्शन के लिए क्वेश्चन लिखते हैं, वो क्या बनेगी, रेट ऑफ रिएक्शन के लिए के रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के इन टू कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन किसकी, जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट कितने हैं, एक ही तो रिएक्टेंट है इधर, यही तो वही, फिर हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन क्या बनेगा, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ E1 डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड ओनली, आपके पास वन एंड ओनली रिएक्टेंट है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के केस में। अब वही उसको क्वेश्चन की फॉर्म लिखते हैं, रेट इज इक्वल टू के इन टू अल्काइल हैलाइड, उसकी कंसंट्रेशन 1। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, इसकी पावर 1 है तो यही इसका ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। एज फर्स्ट स्टेप इज लो सो दैट इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, फर्स्ट स्टेप चूंकि स्लो है तो वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप को मैं एग्जांपल के जरिए से आपको मैं इलैबोरेट करता हूँ। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या होता है, वो स्लोएस्ट स्टेप किसी प्रोसेस का जो ये बताता है कि प्रोसेस जल्दी होगा या देर को होगा,
उसे हम कहते हैं रेट डिटरमाइन स्टेप। अब सपोज करें मैंने जाना है मतलब अपने होम टाउन से लाहौर जाना है, अब दरमियान में कोई ऐसा पॉइंट आता है जहां पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक जैम होती है, ठीक है। अब अगर तो वहां से मैं जल्दी निकल जाता हूं तो मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा लाहौर, अगर मैं वहां पर लेट हो जाता हूं ट्रैफिक जाम ज्यादा हो जाती है तो मैं देर को पहुंचूंगा। तो अब जो पॉइंट ये बता रहा है, ये डिटरमाइन कर रहा है कि मैं जल्दी पहुंचूंगा या देर को, वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। क्लियर है? इसको मैं आपको एग्जांपल से भी शो कराता हूं डायग्राम से। ये डायग्राम है फनल की, ठीक है। इसको हम कहते हैं नेक ऑफ फनल और ये आपका नीचे बॉटम है उसका, ठीक है, ये नेक ऑफ फनल। अब अगर मैं चाहूं कि इसके अंदर वाटर को मैं एंटर कराऊं, 1 लीटर पानी है सपोज करें और मैं इसके अंदर एंटर करवाना चाहता हूं, अब इसकी नेक की जो विड्थ है ना वो बताएगी 1 लीटर का पानी जल्दी जाएगा या देर को जाएगा। अगर तो नेक जो है बहुत मतलब विड्थ उसकी बहुत कम है तो पानी देर को जाएगा, थोड़ी देर लगेगी। अगर वो नेक थोड़ी विड्थ ज्यादा है तो पानी जल्दी चला जाएगा। तो मतलब क्या है कि ये जो नेक है ना ये बता रही है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। इसी तरह हम रिएक्शन में स्लोएस्ट स्टेप को लेते हैं, वो बताता है अगर वो तेज है तो रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट, अगर वो स्लो स्टेप ज्यादा स्लो है तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाता है। क्लियर है? अब मैं एक और एग्जांपल से बताता हूँ। ये जो मैं आपको बता रहा था कि ट्रैफिक जाम हो, तो मतलब अगर ट्रैफिक जाम किसी पॉइंट पर ज्यादा होती है और मैं वहां से जल्दी निकल जाता हूँ तो मैं फाइनल डेस्टिनेशन पर जल्दी पहुंच जाऊंगा, और अगर मुझे वहां देर लग जाती है तो मेरा जो फाइनल पॉइंट है, फाइनल डेस्टिनेशन है, वहां तक मैं देर को पहुंचूंगा। तो इसलिए वो जो पॉइंट होगा वो मेरा क्या होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, क्योंकि वो स्लोएस्ट स्टेप होगा। क्लियर है? फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करें, आई विल रिस्पॉन्ड टू यू एंड टू योर क्वेश्चन इंशाल्लाह। अब आगे है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या होगा, स्लोएस्ट स्टेप होगा। एंड वन मॉलिक्यूल इज इन्वॉल्वड इन दिस सो यूनिमोलेक्युलर ईवन। मोलेक्युलरिटी की डेफिनेशन पहले पता होना चाहिए, वो क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेटिंग इन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इज कॉल्ड मोलेक्युलरिटी। अब चूंकि इधर स्लोएस्ट स्टेप आयनाइजेशन वाला है, उसका रिएक्टेंट वन एंड ओनली वन है, वो है अल्काइल हैलाइड, तो इसलिए ये यूनिमॉलिक्यूलर है और इसका यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं इसको। अच्छा, इधर ना डायरेक्शन का भी एक आता है, जिस तरह E2 में डायरेक्शन जो है ना न्यूक्लियोफिल के अपोजिट होनी चाहिए, लेकिन इसमें डायरेक्शन मैटर नहीं करती, जिस मर्जी डायरेक्शन से आप अटैक करवाएं। क्यों? क्योंकि आपने जब फर्स्ट रिएक्शन में एडिशन करवाई, लीविंग ग्रुप जा चुका था, अब इस पे जब न्यूक्लियोफिल ने अटैक किया उसके पास कोई लीविंग ग्रुप ही नहीं था। अब जब लीविंग ग्रुप ही नहीं था तो हमें क्या जरूरत पड़ी है कि उसके अपोजिट अटैक करवाएं, हमें उसकी पोजीशन ही नहीं है उसके पास ना, मतलब लीविंग ग्रुप जा चुका है तो फिर पोजीशन मैटर नहीं करती। अगर इधर लीविंग ग्रुप मौजूद होता फिर हम उसके अपोजिट अटैक करवाते, ठीक है। सो द डायरेक्शन ऑफ द न्यूक्लियोफिल डज नॉट मैटर इन द केस ऑफ E1 एंड SN1 ऑल्सो, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है वर्ड सिंथेसिस। वर्ड्स इज द साइंटिस्ट नेम हु इंट्रोड्यूस दिस प्रोसेस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सिमेट्रिकल अल्केन। ये प्रोसेस सिर्फ सिमेट्रिकल अल्केन के लिए बनता है, उसके लिए यूज होता है बस, जिसमें मतलब 4 कार्बन हो, 6 कार्बन हो, इस तरह केस हो, फिर आपके पास क्या है, वर्ड सिंथेसिस यूज होगा। मिथेन के लिए, इथेन के लिए आप इसको क्या है यूज नहीं कर सकते, ठीक है। अब होता क्या है, अल्काइलाइड्स रिएक्ट विद सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ इथर सॉल्वेंट टू गिव अल्केन्स। अल्काइलाइड जो है ना सोडियम के साथ रिएक्ट करते हैं और आपके पास सिमेट्रिकल अल्केन आता है। अब इधर एक पॉइंट याद रखिए, एक सोडियम एक क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है, NaCl बनाता है। अगर दो मेरे पास Na हो तो मतलब दो क्लोराइड हो तो 2 NaCl, 3 Na हो 3 क्लोराइड हो 3 NaCl, 4 Na हो 4 क्लोराइड आयन हो 4 NaCl, ठीक है। अब हमने क्या है, 2 Na लिए, मतलब मेरे पास 2 क्लोराइड होने चाहिए, तो मैं 2 मॉलिक्यूल अल्काइलाइड के ले लेता हूँ, ठीक है। एक क्लोरीन ये, एक क्लोरीन ये और 2 Na ये आपके पास आ जाएगा 2 NaCl। अब इस गैप को खत्म कर दो और इनके दरमियान बॉन्ड बना दो CH2 to CH2, तो ये आपके पास आ जाता है N-butane, ठीक है। तो ये सिमेट्रिक है किस तरह, इधर भी 2 कार्बन और इधर भी 2 कार्बन, इधर भी CH3 CH2, इधर भी CH2 CH3, ठीक है।
नेक्स्ट चलते हैं रिडक्शन ऑफ अल्काइल लाइट। इससे पहले मैं आपको बताता हूं ऑक्सीडेशन क्या होती है और फिर रिडक्शन क्या होती है वो बताता हूं। ऑक्सीडेशन क्या होती है, नाम से शोर है ऑक्सीजन को ऐड करवाना, आप भी जानते होंगे। ऑक्सीडेशन क्या होती है, ऑक्सीजन को ऐड करवाना और इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन को रिमूव करवाना, ये ऑक्सीडेशन है, ठीक है। इसी तरह रिडक्शन इसकी अपोजिट होती है, रिडक्शन में ऑक्सीजन को रिमूव करवाना और इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन को एंटर करवाना, ये है रिडक्शन। अभी द अल्काइल लाइट की रिडक्शन हमने देखनी है हाइड्रोजन के रिस्पेक्टिव, मतलब हाइड्रोजन अगर इसमें बढ़े तो फिर तो इसकी मतलब रिडक्शन हुई है, अगर इसके हाइड्रोजन कम हो तो फिर मतलब इसकी ऑक्सीडेशन हुई है। वो हम देखते हैं कि फिर इसकी रिडक्शन होती है या क्या होता है वो हम डिस्कस करते हैं। इट कैन बी रिड्यूस विद जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ एन एक्वस एसिड सच एज HCl एंड एसिटिक एसिड। इधर एक बात याद रखना, जब किसी एसिड को वाटर में मतलब उसका एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं ना तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन की फॉर्म में डिसोसिएट हो जाता है। जिस तरह HCl को वाटर में जब एक्वस सॉल्यूशन बनाया उसका, तो ये H पॉजिटिव उस क्लोराइड आयन की फॉर्म में क्या है, चेंज हो गया। और ये आपके पास जिंक है जिसके साथ आपने रिएक्ट करवाना है, और ये आपके पास प्रोपाइल क्लोराइड है, ठीक है। अब क्या होगा, जिंक जो है ना दो क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएगा, एक क्लोरीन ये और एक क्लोरीन ये, ZnCl2। बाकी आपके पास ये हाइड्रोजन आयन, ये आपके पास आएगा इस पॉइंट पर, इस कार्बन के पास, क्योंकि यहां से आपने क्लोरीन को निकाला है और आपने इस जगह पर कोई एटम अटैच करवाना है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, CH3CH2CH3। अब हम देखें कि इसकी रिडक्शन हुई है नहीं, अगर तो इसमें हाइड्रोजन बढ़े हैं तो फिर इसकी रिडक्शन हुई है। इधर कितने हाइड्रोजन थे, 3, 2, 5 एंड 2, 7। इधर कितने हैं, 3, 2, 5 एंड 3, 8। 7 से 8 हो गया हाइड्रोजन, मतलब इसकी रिडक्शन हुई है, ठीक है। तो इस तरह ये रिडक्शन देता है अल्काइल लाइट। नेक्स्ट चलते हैं सोडियम लेड अलॉय। सोडियम होता है Na2 और लेड होता है Pb। अलॉय क्यों कहता है, जब दो मेटल आपस में मिलते हैं तो उससे जो कंपाउंड बनता है उसे हम कहते हैं अलॉय। तो ये क्या है, सोडियम लेड अलॉय। मिथाइल क्लोराइड एंड इथाइल क्लोराइड रिएक्ट विद सोडियम लेड अलॉय गिविंग टेट्रामिथाइल लेड एंड टेट्राइथाइल लेड रिस्पेक्टिवली। जब मिथाइल क्लोराइड और इथाइल क्लोराइड रिएक्ट करते हैं ना सोडियम लेड अलॉय के साथ, तो आपके पास टेट्राइथाइल लेड या टेट्रामिथाइल लेड ये आते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स हैं। दीज आर मोस्टली अबंडेंटली यूज इन ऑटोमोबाइल फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज एंड इन दैट फील्ड। इट इज ऑल्सो यूज इन गैसोलीन, गैसोलीन मतलब पेट्रोल वगैरह में। क्यों, ये एज ए एंटी नॉकिंग एजेंट्स यूज होते हैं, जो इंजन की अनप्लेजेंट नॉइस होती है ना उसको कम करते हैं और इंजन की एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, फिर वही पॉइंट है, 4 Na तो मतलब 4 क्लोराइड आयन चाहिए हमें। अब इधर क्या है, Na4Pb फार्मूला लिखा, अब आप देखिए इधर 4 Na है, मतलब इसको मैंने 4 क्लोराइड दूं तो ये सोडियम जो है 4NaCl की फॉर्म में निकल जाएगा। तो मैं 4 मॉलिक्यूल देता हूं मिथाइल क्लोराइड के, तो मेरे पास क्या बनेगा, ये 4Na और ये 4Cl, क्या बन जाएगा, 4NaCl। बाकी क्या बच जाएगा, बाकी मेरे पास 4CH3 बच गया, मतलब इसको मैं लिख दूं CH3 टेट्रा मिथाइल लिख दूं मैं, बाकी आपके पास लेड है वो इधर आ गया लेड। इसी तरह इस केस में 4NaCl निकल जाएंगे, बाकी आपके पास क्या रह जाएगा, टेट्राइथाइल और आपके पास ये लेड रह जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 7। तो ये है टेट्राइथाइल लेड। अगर क्वेश्चन आए टेट्रामिथाइल बनाओ और टेट्राइथाइल लेड बनाओ, तो उसको आपने क्या है इस तरह प्रिपेयर कर सकते हैं। और अगर आज इसका बेनिफिट क्या है तो वो आप बताएंगे, गैसोलीन में और एंटी नॉकिंग एजेंट के तौर पर इसके प्रोडक्ट यूज होते हैं। तो ये आज का टॉपिक था हमारा E1 या यूनिमोलेक्युलर एलिमिनेशन एक्शन। अगर आपको कुछ अच्छा सीखने को मिला सो फीडबैक लाजमी दीजिएगा, एंड रिकमेंड योर फेलोज एंड फ्रेंड्स। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हैप्पी। थैंक यू।